तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? तो मेरे हिसाब से आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग का शुभ भारती यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में बता दूँ क्यों नहीं आ रहा है और उसका रीज़न क्या है और कैसे पता कर सकते हैं आप अपने रिजल्ट का। तो इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। बात करें इस भारतीय यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जिन लोगों का नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो पूरी डाउट बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सबसे पहले देखिए आपका किस मंथ या किस ईयर में हुआ है। ये नहीं कि आपका एक महीने अभी एग्ज़ाम हुआ और आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका लगभग 2 से 3 महीने या इससे आगे भी लग सकते हैं। अब मान लीजिए आपका काफ़ी टाइम हो गया रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ हो सकता है कि कई बार पेंडिंग रह जाता है किसी का रिजल्ट, किसी किसी बच्चे का रह जाता है पेंडिंग, तो कुछ ही टाइम के बाद क्लियर हो जाता है वो भी। अब भाई हम बात करें कैसे आप पता कर सकते हैं अपने रिजल्ट का कि आपका रिजल्ट आया क्यों नहीं या कब तक आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने एडमिशन कैसे लिया है। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिया है तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाकर जो उनके हेड हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर ये मेरा रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने अपना चेक कर लिया लेकिन रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। वहीं हम अगर कंसल्टेंट की बात करें, अगर आप लोगों ने कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया है तो सबसे पहले आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा कि उसने एग्ज़ाम आगे दिया है कि नहीं दिया है। आपने तो एग्ज़ाम उसके पास दे दिया या फिर आप पास किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, वही कंसल्टेंट आपको बताएगा। लेकिन अगर आपके बाद उसके बाद भी वो कंसल्टेंट नहीं बताया तब आपको यूनिवर्सिटी में जाकर खुद ही यह चेक करना होगा या चेक करवाना होगा। आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है आपका थोड़ा सा लेट आ जाता है। और आपको बता दूं ये नहीं है कि कोई कंसल्टेंट आपका आगे नहीं बढ़ाते, तो 100% आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाता है क्लियर। अगर आप का कंसल्टेंट एकदम सही है, करेक्ट है, तो उस पर विश्वास रखकर आप काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई फेक होता है। मैं कहूँगा कि 100% फेक नहीं होते हैं और 99% फेक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी पॉसिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, हर कोई अपने आपको बिल्कुल क्लियर दिखाना चाहता है। तो मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अदरवाइज अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो कमेंट करिएगा, एक नया कंटेंट, एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदरवाइज मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। तो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी सजेस्ट करिएगा मेरे को। तो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।